गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जब पहली इकाई में समाज शास्त्र के उद्भव के बारे में चर्चा कर रहे थे और साथ ही साथ समाज शास्त्र के पथ प्रदर्शकों की बात करी थी हम लोगों ने, जिसमें ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है और हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास की अवधारणा है। इसके साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा जो समाजशास्त्र के लगभग 3/4 हिस्से को प्रभावित करती है वो है फंक्शनलिज्म की, यानी कि प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद मर्टन ने मूल रूप से मर्टन के विचार इनमें रखे जाएंगे। मर्टन की विचारधारा और मर्टन के विचार प्रकार्यवाद पे क्या थे, प्रकार्य क्या होता है, प्रकार्यवाद का इतिहास किस प्रकार का रहा, प्रकार्यवाद की स्थापना किस तरह से हुई और कौन कौन से विचारक जो हैं जिन्होंने प्रकार्यवाद के बारे में प्रमुख रूप से अपनी कृतियों में चर्चा करी। हालांकि हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि प्रकार्यवाद जो है वो कहीं ना कहीं ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल डर्खाइम, रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोस्की, किंसले डेविस एंड मोर और मर्टन और इन सब विचारकों की देन है। पर प्रमुख रूप से प्रकार्यवाद पर कार्य करने में रॉबर्ट के मर्टन हैं, उन्होंने इस उपागम की व्याख्या ज़्यादा करी। इस उपागम को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम भी कहते हैं। इसके बहुत नाम हैं, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी बोला जाता है कहीं इस किसी किताब में इसे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम बोला जाता है, कहीं प्रकार्यात्मक उपागम बोला जाता है यानी कि फंक्शनल अप्रोच बोला जाता है, कहीं प्रकार्यात्मक विश्लेषण यानी कि फंक्शनल एनालिसिस, कहीं प्रकार्यात्मक सिद्धांत फंक्शनल थ्योरी, कहीं प्रकार्यात्मक अभिविन्यास यानी कि फंक्शनल ओरिएंटेशन। तो ये जो फंक्शनलिज्म है या फंक्शनल एनालिसिस है या फंक्शनल थ्योरी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, ये एक अध्ययन की विधि के साथ साथ ये एक अध्ययन का उपागम और सिद्धांत, ये तीनों ही है, अध्ययन की पद्धति, अध्ययन का उपागम और अध्ययन का सिद्धांत। किंसले डेविस ने का कहना है कि समाज शास्त्र और प्रकार्यात्मक विश्लेषण को अलग नहीं किया जा सकता। लगभग वही बात जो समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु है लगभग वही है जो प्रकार्यवाद की विषय वस्तु है। प्रकार्यवाद समाज शास्त्र का ही पर्याय है और प्रकार्यवाद के बहुत सारे समर्थक रहे थे, जैसा मैंने पहले भी बोला, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, डर्खाइम, मैलिनोस्की, रैडक्लिफ ब्राउन और रॉबर्ट के मर्टन। अब प्रकार्यवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रकार्य की अवधारणा क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं, प्रकार्यात्मक इतिहास की मान्यताएं क्या हैं, उसका प्रकार्यवादी जो उपागम है उसका इतिहास क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके महत्वपूर्ण सीमाएं क्या हैं और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने से ही हम पूरी तरह से प्रकार्यवाद को समझ पाएंगे। और इसमें भी विशेष रूप से रॉबर्ट के मर्टन का जो योगदान है प्रकार्यवाद में, उसको समझने से हम बेहतर समाजशास्त्रीय जो अप्रोचेज हैं उनको समझ पाएंगे। अब सबसे पहले हम प्रश्न पूछते हैं कि प्रकार्य क्या है, व्हाट इज़ अ फंक्शन। अब प्रकार्य के मर्टन ने इनसे पहले जो अवधारणाएं थी उनका अध्ययन करके और उन्होंने अपनी जो किताब थी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, उसमें प्रकार्य के संबंध में बताया है, उसमें विश्लेषण किया है। और प्रकार्य के अर्थ सबसे पहला हुआ एक सामान्य अर्थ, जिसमें हम फंक्शन से हम क्या समझते हैं,
हमारे घर में कोई पार्टी हो रही है, कोई जलसा हो रहा है, कोई स्कूल में फंक्शन हो रहा है, कोई कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, उसे हम सामान्य रूप से हम फंक्शन को उस रूप से देखते हैं। पर यहाँ न सिर्फ समाजशास्त्रीय तरीके से अध्ययन करना है, समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय, गणित विज्ञान, जीव विज्ञान, इनके आधार पे, मनोविज्ञान, इनके आधार पर भी प्रकार्य की हम अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में प्रकार्य का अर्थ व्यावसायिक घटनाओं के संदर्भ में लगाया जाता है। फंक्शन जो है, इकोनॉमिक फंक्शन क्या है, किसी भी चीज़ का इकोनॉमिक फंक्शन क्या है, उसको हम व्यावसायिक अर्थ के घटनाओं के संदर्भ में समझ सकते हैं। तीसरा जो अर्थ है, पदेन कार्य संपादन के रूप में, कि उसका फंक्शन क्या है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का निर्धारित व्यक्ति का उसके पद के अनुसार फंक्शन क्या है। चौथा है गणित शास्त्र के अर्थ में, प्रकार्य का जो अर्थ है वही हम समाजशास्त्र में लगाते हैं, कि घटना ए अगर है, कोई भी घटना, फंक्शन ए और फंक्शन बी है ना, तो एक घटना जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा जो है वो एक घटना ए है, और दूसरी घटना है, घटना भी जो है वो है उनकी, उनका बढ़ता सशक्तिकरण। तो किस तरह से एक घटना के बढ़ने से दूसरी घटना में प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर स्त्रियों की शिक्षा बढ़ेगी तो उसी आधार पर उनका सशक्तिकरण होगा। तो ये एक फंक्शन है, ये एक गणित शास्त्रीय अवधारणा के रूप में भी हम समाजशास्त्र में इसे इस्तेमाल में लेते हैं, फंक्शन की अवधारणा को। फिर पांचवी जो जो मानवशास्त्रीय रूप में, मानवशास्त्रीय यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिस तरह से प्रकार्य को समझते थे, वो उसी रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप में जीव विज्ञान में यूज़ किया जाता है। जीव विज्ञान में किसी भी जीव के जो निर्मायक जो इकाइयां हैं वो किस तरह से जीव को जीवित रखने में योगदान देती हैं, वो भी उसका प्रकार्य है। यानी कि अभ्यास अथवा विश्वास का समाज के बने रहने में क्या योगदान है, ये मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने इस अर्थ में भी प्रकार्य को इस्तेमाल किया है। यहाँ हम प्रकार्य का अर्थ जो समाजशास्त्रीय संरचना की अवधारणा के संदर्भ में हम लेते हैं। इस क्रम में तीन महत्वपूर्ण परिभाषाएं अगर हम देखें, प्रकार्य की परिभाषाएं, तो जॉनसन, क्लकहोम और मर्टन, ये इनकी तीन परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं समझने के लिए कि प्रकार्य क्या है। जॉनसन ने, मैं कोट करूंगी, उन्होंने कहा कि अगर कोई आंशिक ढांचा, कोई उपसमूह, भूमिका, सामाजिक सामान्यक या संस्कृति, मूल्य, सामाजिक प्रणाली या उपप्रणाली की एक या अधिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योग देता है तो उसे प्रकार्यमय कहा जाता है। यानी कि इकाई में की जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो इकाई की जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो वो फंक्शनल है। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना की इकाइयाँ व्यवस्था और संगठन बनाए रखने में ये योगदान देती हैं। क्लकहोम ने इसी तरह से उनकी जो परिभाषा है उसे मैं कोट करूँगी कि संस्कृति का कोई भी अंग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वो इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके और व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्वक समझे। मतलब अनुकूलन, व्यक्ति का अनुकूलन जो है वो समाज के साथ जो तारतम्य है, अनुकूलन है, वो उसी का प्रकार्य है। तो इस परिभाषा से अनुकूलन पर विशेष जोर दिया गया है। अगर व्यक्ति सांस्कृतिक इकाई
के सहायता से अनुकूलन कर सकता है तो वो इकाई प्रकार्यात्मक होती है, फंक्शनल होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर परिवार जो है वो हमारे व्यक्तियों की समाज में अनुकूलन करने में मदद करता है, चाहे वो समाजीकरण के माध्यम से हो या प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से हो। हम परिवार में बहुत कुछ सीखते हैं और हम समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, इससे हम समाज के अनुकूल व्यवहार करना सीखते हैं। तो ये परिवार अपने आप में एक प्रकार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल एंटिटी है। इसी तरह से मर्टन ने भी प्रकार्य की बहुत जो परिभाषा दी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको भी मैं कोट करूँगी कि प्रकार्य वो अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य करता है। मर्टन ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई तत्व सामाजिक व्यवस्था का अनुकूलन करने में या व्यवस्थापन में मदद कर रहा है वो इकाई प्रकार्यात्मक है। तो आप जब प्रकार्य की परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से कोई भी इकाई जो है वो समाज की प्रकार्यात्मक व्यवस्था या व्यवस्थापन ऑर्गेनाइजेशन उसको किस तरह से बनाए रखने में, संरचना को बनाए रखने में किस तरह से योगदान देती है। जॉनसन, क्लकहोम और मर्टन की जो परिभाषाएं हैं उनके सार में कहा जा सकता है कि प्रकार्य समाज, संस्कृति और इनकी इकाइयों का वो कार्य है जो सामाजिक व्यवस्था में संतुलन, निरंतरता, सामंजस्य, व्यवस्थापन में सहायक हो और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। कोई भी इकाई जो है वो तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वो समाज में कोई ना कोई किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। हम मनुष्य जो हैं उन हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम स्वयं सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए हम किन्हीं संस्थाओं की स्थापना करते हैं जो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनी होती हैं। अगर ये संस्थाएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं तो वो प्रकार्यात्मक हैं, और अगर वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं होती हैं तो वो प्रकार्यात्मक नहीं है, वो समाज में विघटन पैदा कर रही हैं, समाज में अव्यवस्था पैदा कर रही हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। अब समझने की ज़रूरत है कि प्रकार्य की विशेषताएं क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, खासकर मानव शास्त्रियों ने, जैसे कि रैटक्लिफ, ब्राउन और मेलिनोस्की, डर्कहाइम, क्लकहोम, इनके अलावा समाज शास्त्रियों ने किंग्सले डेविस, मर्टन, पार्सन्स इत्यादि ने प्रकार्य की विशेषताएं और लक्षण बताए हैं। मर्टन ने इन प्रकार्य की ये जो विशेषताएं इन अन्य जितने भी समाज शास्त्री हैं उन्होंने जो दी थी उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन अपनी किताब सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में किया है, और उसके आधार पर उन्होंने प्रकार्य की विशेषताएं बताई हैं जो बाकी सारे जितने भी विद्वान हैं उनकी द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर सर्वेक्षण पर बनाई गई है। तो सबसे पहली विशेषता जो प्रकार्य की है वो है फंक्शनल यूनिटी, प्रकार्यात्मक एकता। कोई भी समाज जो है अपने आप में जब सारी इकाइयां, सारी समाज की सारी संस्थाएं, कौन कौन सी संस्था होती है समाज में, परिवार है, शिक्षा व्यवस्था है, कानून है, हमारा राज्य है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, धर्म है, ये सारी जो संस्थाएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारी सामाजिक संरचना है, हमारी संस्कृति है, ये सारी इकाइयां जब अपना निश्चित निर्धारित कार्य करने में सफल रहती हैं तो वो समाज में एकता को जन्म देती हैं।
तो रैडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोस्की ने सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों के संबंध में कहा है कि ये समाज में एकता बनाए रखती हैं। जिस तरह जीव के विभिन्न अंग आपस में एकता के रूप में से संबंधित होते हैं, उसी तरह से सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग परस्पर एक दूसरे पर संगठनात्मक कार्य करते हुए संबंधित होते हैं। अब जीव की बात करें, जीव में हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी में हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है, हमारे लंग्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा ब्रेन का सिस्टम है, स्नायु तंत्र है, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सारे जो हैं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अपना अपना योगदान देते हैं। तो ये जो मैलिनोस्की रैडक्लिफ ब्राउन, इनकी जो वो थी, इनकी जो विचारधारा थी वो जीव विज्ञान से प्रभावित थी। और अगर शरीर के कोई भी अंग में कोई भी समस्या होगी, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने खाना आपने बाहर से खाना खा लिया और आपका पेट ख़राब हो गया, और पेट ख़राब होने की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ, और इस वजह से तो ये इन्फेक्शन जो है अपने आप सिर्फ पेट तक लोकलाइज नहीं होता है, आपके इन्फेक्शन में पूरी बॉडी जो है उस व्यवस्था को, जो संतुलन बिगड़ गया है, इक्विलिब्रियम जो बिगड़ गया है, उसको पुनः स्थापित करने की कोशिश करती है। आपको बुखार आता है, बुखार आने के बाद आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में काम करती हैं, जिससे आप पुनः दोबारा से स्वस्थ हुए। तो ये जो सारी जो इकाइयां शरीर की जो हैं वो व्यवस्था को स्थापित, पुनः स्थापित, शरीर की व्यवस्था क्या है कि शरीर स्वस्थ रहे, है ना। तो इसी तरह से समाज की भी जो व्यवस्था है वो समाज को सुदृढ़ और एकता, सुदृढ़ता और एकता में योगदान देने के लिए है। यदि कोई एक भाग अगर अस्वस्थ रहे होगा या वो अपने कार्य करने की क्षमता में कम रहेगा, वो अगर वो अपना कार्य निश्चित निर्धारित कार्य नहीं कर पाएगा, तो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो समाज में किसी न किसी तरह से वो इक्विलिब्रियम स्थापित करने की, वो सामंजस्य, वो तारतम्य स्थापित करने की कोशिश करती हैं। हमारे अगर जैसे उदाहरण के तौर पर समाज में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, समाज में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जनसंख्या विस्फोट है, अपराध है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पर वो समस्याओं, उनको निपटने के लिए समाज में कुछ संस्थाएं हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर पुलिस है, हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका है, हमारे कानून हैं, ये सारे, और उससे पहले परिवार है। परिवार में हमें सिखाया जाता है कि आप अपराध ना करें। आप तो ये सारी एक कोई भी सामाजिक समस्या जब जन्म लेती है तो बाकी जो समाज की जो इकाइयां हैं वो उसको रोकने में योगदान देती हैं, और फिर उसके बाद सामाजिक व्यवस्था जो है उसे पुनः स्थापित करती है। मर्टन ने धर्म का उदाहरण दिया है, और उनका कहना है कि एक से अधिक धर्म को मानने वाले समाज में देखने को मिलते हैं, तो धर्म के कारण उनमें सांप्रदायिक झगड़े भी हो सकते हैं। कुछ लोग एक धर्म को मानते हैं, कुछ लोग दूसरे धर्म को मानते हैं। इसलिए डर्खाइम, रैडक्लिफ ब्राउन और मैलिनोस्की का जो मानना है वो आंशिक रूप में सही है। इकाइयां प्रकार्यात्मक होती हैं, लेकिन वो दुष्कार्यात्मक और विघटनात्मक या विघटनकारी कार्य भी करती हैं। धर्म को हम देखते ही हैं, कई बार होता है धर्म, वैसे हम अगर व्यक्तिगत रूप में देखें तो धर्म विघटनकारी बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है। पर जब एक ही समाज में बहुत सारे धर्म हो, या अगर हम हिंदू धर्म की ही बात करें, हिंदू धर्म में शैव हैं, शाक्त हैं और वैष्णव हैं, इसके अलावा बहुत सारी परंपराएं हैं, तो अगर ये परंपराएं एक दूसरे से
इन से टकराव में आती हैं, तब ऐसी स्थिति में विघटन पैदा होता है और ये धर्म का दुष्कार्य है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि एक जो इकाई है वो अपने आप में पूर्णतया समाज की संरचना के लिए हमेशा ही प्रकार्यात्मक रहेगी। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति में जो सामंतवादी जो लोग थे और पूंजीपति जो लोग थे, उनका जो रोल था, उनकी जो भूमिका थी वो अलग अलग प्रकार की थी। शिक्षाविदों की भूमिका अलग प्रकार की थी। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी एक सामाजिक इकाई अपना प्रकार्य पूरा नहीं कर पाती, तब समाज में विघटन पैदा होता है और क्रांति पैदा होती है। तो पहली जो महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने मर्टन ने बताई वो है प्रकार्यात्मक एकता की, और दूसरी है प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता की, यानी कि फंक्शनल यूनिवर्सैलिटी। मर्टन से पहले बहुत सारे समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों का मानना था कि जहाँ जहाँ मानव समाज होगा वहाँ वहाँ सामाजिक इकाइयाँ कोई ना कोई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मैलिनॉस की प्रकार्यवादी थे और उन्होंने कहा कि प्रत्येक इकाई प्रत्येक स्थान पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करती है। अब इन जैसे उदाहरण के तौर पर वो उनका मानना था कि कोई भी जो अवशेष है वो अपने आप में अप्रकार्यात्मक नहीं हो सकते। सामाजिक संरचना में केवल वे ही इकाइयाँ विद्यमान होती हैं जो सामाजिक व्यवस्था की किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। लेकिन मर्टन ने इस विशेषता का मूल्यांकन धर्म के उदाहरण को देकर फिर से कहा कि धर्म अनेक दुष्कार्य करता है, फिर भी ये सामाजिक संरचना में इकाई के रूप में विद्यमान है। हमारे ही धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, स्त्री अशिक्षा, ये सारी चीज़ें जो हैं, दलितों का शोषण, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अप्रकार्यात्मक थी और ये दुष्कार्य के रूप में देखी जा सकती है। पश्चिमी समाजों में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू समाज में ही समस्याएं हैं। पश्चिमी समाज में भी जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किताब में जो मैक्स वेबर ने लिखा है कि किस तरह से कैथोलिक धर्म जो है वो कैपिटलिज्म के उद्भव में, मतलब पूंजीवाद के उद्भव में बाधक रहा था। तो कैथोलिक धर्म जो है वो स्त्री की शिक्षा में भी बाधक रहा था, वो स्त्री की स्वतंत्रता में भी बाधक रहा था। तो ये उसमें भी परिवर्तन आए और इसमें धर्म जो है वो दुष्कार्य का भी कार्य करता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता बताई है मर्टन ने वो है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, यानी कि प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। सामाजिक संरचना में इकाइयों या उनके कार्य अपरिहार्य होते हैं और प्रकार्यों को संरचना से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मर्टन ने इन विद्वानों के विचारों के रूप से स्पष्ट रूप से ये कहा पाया कि कार्य अपरिहार्य है या इकाई अपरिहार्य है या कार्य और इकाई दोनों अपरिहार्य हैं, ये हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। यानी कि जो इकाई है वो फंक्शनल है, मतलब उदाहरण के तौर पर परिवार, क्या परिवार फंक्शनल है या परिवार में रहने वाले व्यक्ति फंक्शनल हैं या परिवार जो प्रकार्य कर रही है, जो फंक्शन वो कर रही है, क्या वो अपरिहार्य है या परिवार और उसका प्रकार्य दोनों ही फंक्शनल हैं, अपरिहार्य हैं।
ये चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाती है। और किंग्सले डेविस और मूर ने धर्म की अपरिहार्य बताया, क्योंकि धर्म समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। मर्टन ने कहा कि आधुनिक समाजों में सामाजिक नियंत्रण जो है वो धर्म के बिना भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर नियंत्रण आदिम समाजों में धर्म के का जो वो था प्रभाव था वो आदिम मनुष्य पर बहुत ज़्यादा था, और इसलिए वो धर्म से प्रेरित होकर अपने व्यवहार को नियंत्रित करता था, डरा हुआ होता था एक ईश्वर से। पर आधुनिक समाजों में औद्योगिक समाजों में न केवल धर्म बल्कि हमारी राज्य व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा परिवार, हमारी संस्कृति, ये सब भी हमारे ऊपर नियंत्रण करते हैं। तो केवल मात्र धर्म ही हमारे ऊपर एक नियंत्रक नहीं है। चौथी बात जो महत्वपूर्ण बात करी है उन्होंने, प्रकार्य अकार्य और दुष्कार्य, फंक्शन नॉन फंक्शन और डिसफंक्शन, ये मर्टन की विशेष का विशेष योगदान था फंक्शनल एनालिसिस में, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में। उन्होंने तीन बातों को कहा है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के कार्य में को तीन भागों में बांटा जा सकता है, प्रकार्य अकार्य और दुष्कार्य। संरचना की अधिकतर इकाइयां जब वे कार्य करती हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और समायोजन लाने में सहायता मिलती है, तो ये इकाइयां प्रकार्यात्मक होती हैं, यानी कि वो अपना प्रकार्य पूरा कर रही हैं। कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती, वो व्यवस्था को बनाए रखने या अव्यवस्था करने में किसी भी प्रकार की भूमिका का निर्वाह नहीं करती हैं। ऐसी इकाइयां जो हैं नॉन फंक्शनल होती हैं या अकार्य के रूप में देखी जा सकती हैं। तीसरी तरफ संरचना की कुछ इकाइयां सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ाने या अनुकूलन और समायोजन कम करने की भूमिका करती हैं। ऐसे उनका प्रभाव विघटनकारी होता है और ये डिसफंक्शनल हो जाती है। कई प्रकार्य समय के साथ साथ वो दुष्कार्य में भी परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो है वो कहीं ना कहीं फंक्शनल है, प्रकार्यात्मक है, पर जब लालफीताशाही आ जाती है नौकरशाही में, और जब भाई भतीजावाद आ जाता है तो ये दुष्कार्य में परिवर्तित हो जाती है। इसके साथ ही साथ पांचवी विशेषता उन्होंने कहा है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य, यानी कि मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस। कुछ चीज़ें जो हम देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो मैनिफेस्ट हैं। कुछ चीज़ें हमें दबी हुई होती हैं, वो स्पष्ट रूप से हमें दिखती नहीं है, वो लेटेंट होती है, वो आगे चल के वो मैनिफेस्ट हो सकती है। तो सामाजिक संरचना की इकाइयों को प्रमुख कार्य के आधार पर दो उप कार्यों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कार्य भी वस्तुनिष्ठ परिणाम है जो व्यवस्था में समायोजन और अनुकूलन में योगदान करते हैं और व्यवस्था में भाग लेने वाले द्वारा चाहे जाते हैं और मान्यता प्राप्त हैं। ये प्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक और या प्रकार्य तथा विघटनात्मक या दुष्कार्य के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अब लेटेंट फंक्शंस क्या हैं, अप्रत्यक्ष कार्य क्या हैं, जो कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के वो कार्य जो न तो चाहे जाते हैं न ही मान्यता प्राप्त होते हैं, वे अप्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक या प्रकार्य तथा विघटनात्मक या दुष्कार्य के रूप में होते हैं। फिर छठी विशेषता जो वो बोलते हैं वो है अनुकूलनता और सामंजस्य की, यानी कि एडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट की। समाज में अनुकूलनता और सामंजस्य को प्रकार्य फंक्शंस जो हैं वो बढ़ाते हैं।
सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता और संतुलन के लिए ये जरूरी है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों में अनुकूलन हो और सामंजस्य के गुण हो। यानी कि हमारा जो जिस तरह से हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हार्ट अपनी तरह से नहीं काम कर सकता, लिवर अपनी तरह से नहीं काम कर सकता, हमारा जो ब्रेन है वो अपनी तरह से नहीं काम कर सकता, उनको सामंजस्य बनाकर काम करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे जो समाज रूपी शरीर है उसमें भी हमारा जो राज्य है वो बिना शिक्षा को साथ में लिए हुए या शिक्षा जो व्यवस्था जो है वो बिना हमारी संस्कृति को समझे हुए वो अपना कार्य नहीं कर सकती है। तो सभी जो इकाइयां हैं उनमें अनुकूलन होना और सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। फिर सातवीं विशेषता जो है वो है ये जो प्रकार्य होते हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, यानी कि वो एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी, वो मान्यता प्राप्त होते हैं। सामाजिक संरचना के तत्वों, इकाइयों, संस्थाओं और एजेंसियों के कार्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। अलग अलग समाजों में इकाइयां अलग अलग हो सकती हैं और उनके कार्य समाज की आवश्यकता के अनुसार हम तय करते हैं। ये जो इकाइयां हैं या ये जो आवश्यकताएं हैं या इनकी जो क्रियान्वयन है वो परिवर्तनशील है। जो कार्य समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते उनको मर्टन ने अव्यक्त कार्य या अप्रत्यक्ष कार्य कहा है। फिर आठवीं विशेषता कि ये कुछ न कुछ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फंक्शंस जो हैं वो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। मैलिनोस्की ने प्रकार्यों की ये इस विशेषता पर जोर दिया। उनका कहना है कि प्रत्येक इकाई हर स्थान पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है। जो इकाई आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती वो संरचना में बनी नहीं रह सकती। मैलिनोस्की, रैटक्लिफ ब्राउन और क्लकहॉर्न ने उद्विकासियों की इस अवधारणा की आलोचना करी कि समाज में कोई भी तत्व या अंग अवशेष नहीं है। उद्विकास सिद्धांत में अवशेष एक प्रमाण के रूप में काम में लिए जाते हैं। प्रकार्यवादी ऐसा नहीं मानते। अब उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जैसे हमारे जो रूढ़ियाँ हैं, रीति रिवाजों के साथ साथ हमारी रूढ़ियाँ भी होती हैं जो पहले के समय में प्रकार्यात्मक थी लेकिन आज के समय में वो प्रकार्यात्मक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहना कि रात के समय झाड़ू नहीं लगानी है, उससे लक्ष्मी चली जाएगी। अब ये उदाहरण पहले के ज़माने में जब बिजली नहीं थी और रात के समय अगर आप झाड़ू करोगे तो ये कुछ ना कुछ हमारी कीमती चीज़ जो है वो बाहर जा सकती है, फेंक सकती है, इसलिए पहले वो एक मान्यता थी, रूढ़ी थी कि उससे लक्ष्मी जाती है। पर आज की डेट में बिजली आ चुकी है और हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे घर में रात के समय कोई कांच शीशा टूटा है तो हम झाड़ू लगा भी देते हैं, उसमें कहीं भी लक्ष्मी नहीं जाती। पर ये फिर भी कुछ अवशेष हमें देखने को मिलते हैं पहली व्यवस्था से और अब की व्यवस्था में। अभी भी बहुत लोग बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो हमारा दिन खराब होगा। ऐसी ही मान्यताएँ, कुछ ना कुछ छोटी छोटी मान्यताएँ हमारी होती हैं। तो ये कुछ अवशेष हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर फंक्शनल सब्स्टिट्यूट्स की विशेषता, यानी कि प्रकार्यात्मक विकल्प की जो विशेषता है। मर्टन का कहना है कि सामाजिक संरचना में अनेक इकाइयां होती हैं और अनेक कार्य होते हैं। इनसे संबंधित हम दो प्रकार की विशेषताएं और प्रकार्य पाते हैं। पहला, तत्व एक और उसके कार्य जो हैं वो अनेक, और कई बार प्रकार्य एक और उसको पूर्ण करने वाले तत्व अनेक। यानी उदाहरण के तौर पर जब पहला की बात करें, तत्व एक और उसका कार्य जो है वो अनेक है। राज्य है, आज की डेट में राज्य जो है केवल राजनीति नहीं करता, वो उसका शिक्षा में भी हस्तक्षेप है, उसका
हमारी जो धार्मिक सेक्युलर सोसाइटीज़ में नहीं पर थियोलॉजिकल सोसाइटीज़ में उसका धर्म पर में भी हस्तक्षेप है। यूरोप में हम देख चुके हैं कि राज्य का धर्म से भी संबंध था और इसी तरह से राज्य का आर्थिक व्यवस्था से भी संबंध है, राज्य का जो है कानूनों से भी संबंध है। तो एक तत्व जो है उसके अलग अलग कार्य हो सकते हैं। इसी तरह से एक प्रकार उसको पूर्ण करने वाले बहुत सारे तत्व भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम शिक्षा लेना चाह रहे हैं, शिक्षा के लिए पहले परिवार जो है वो भी हमारा शिक्षा का माध्यम है। हमने समाजीकरण में पढ़ा था कि अवधारणा में पढ़ा था कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो केवल न केवल हमारे प्राथमिक समूहों से शुरू होती है बल्कि वो द्वितीय समूहों तक चलती चलती जीवन पर्यंत एक अवधारणा है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो शिक्षा जो है सिर्फ केवल मात्र परिवार से नहीं होती, औपचारिक शिक्षा भी होती है, अनौपचारिक शिक्षा भी होती है। औपचारिक शिक्षा हम स्कूल कॉलेजों में प्राप्त करते हैं, उसके अलावा हम जब जॉब में जाते हैं तब भी हम कुछ सीखते हैं कि किस तरह के तौर तरीके हमें अपनाने चाहिए अपने सीनियर से बात करने के लिए, अपने जूनियर से बात करने के लिए क्या कार्य प्रणाली है। तो ये शिक्षा जो है अपने आप में ये जो प्रकार्य है वो उसको पूरा करने के लिए बहुत सारी इकाइयाँ हैं, विकल्प हैं, बहुत सारे समकक्ष हैं। आदिम समाजों में सामाजिक नियंत्रण जो था वो धर्म ही करता था, जबकि आज के समाज में नगरीय महानगरीय समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य सरकार, पुलिस, सेना, न्यायालय ये जो हैं वो भी करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रकार्यों के अनेक विकल्प और समकक्ष होती हैं। इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं, जैसे सामाजिक संरचना में इकाइयां अनेक होती हैं, उनकी गणना करना कठिन होता है, प्रकार्यों की गणना करना लगभग असंभव है। प्रकार्य एक समूह के लिए अधिक लाभदायक होते हैं, कुछ के लिए कम लाभदायक होते हैं और कुछ समूहों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। प्रकार्य सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से संबंधित होते हैं और इसी तरह से समाज में श्रम विभाजन को भी स्पष्ट और निश्चित करते हैं। प्रत्येक इकाई समाज के लिए निश्चित कार्य करती है। प्रकार्य प्रकट, अप्रकट, स्पष्ट, अस्पष्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात और अज्ञात इन रूपों में देखने को मिलते हैं। समाज की व्यवस्था, संगठन, निरंतरता और संतुलन और विकास बनाए रखने के लिए समाज की संरचना की इकाइयों के प्रकार्यों पर निर्भर होती है। अगर इकाइयां प्रकार्य संपन्न नहीं कर रही हैं तो समाज असंतुलित हो जाएगा और अव्यवस्थित हो जाएगा। तो प्रकार्य फंक्शन जो है वो इस तरह से फंक्शन की जो विशेषताएं हैं हमने अभी समझाई। अब फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद का इतिहास और उसकी स्थापना और मर्टन की का जो आलोचनात्मक मूल्यांकन है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।